सब्सक्राइब कीजिए AQTech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपने एंड्रॉइड फोन में वॉल्यूम बटन वर्क नहीं करते हैं तो इसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए दोस्तों। अगर आपने AQTech हिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर रहे दोस्तों। इसी तरह मैं वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर एक ऐप को डाउनलोड करना है, वर्चुअल वॉल्यूम बटन। इसको मैं यहाँ पर से ओपन कर लेता हूँ। ओके, अब इस ऐप को मैं ओपन किया, यहाँ एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है वॉल्यूम शो बटन ऑन स्क्रीन। अगर ये आपके फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करने के बाद अगर ये बॉक्स में अनचेक रहा तो आप इसको ऐसा चेक कर लीजिए और ये जो है शो वॉल्यूम इन परसेंट तो इसको भी चेक कर लीजिए। तो अब मैं इस ऐप को बैक जाने वाला हूँ यहाँ पर। ओके, बैक जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मेरे फ़ोन में है यहाँ पर एक वॉल्यूम का आइकॉन आ गया है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आइकॉन है, मैं इसको अब क्लिक करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो मेरा वॉल्यूम का पावर बटन जैसा काम करेगा। यहाँ पर मैं इसको साउंड ज़्यादा और कम भी कर सकता हूँ इस तरीके से। ओके, आप यहाँ पर फिर से एक बार आपको क्लिक करके बताऊँगा। ये देखिए वॉल्यूम बटन प्रेस हो गया। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। AQTech हिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें।